ये है मेरा सेकंड होम स्टे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक तेजा लॉज है जहाँ पर मैं आज रहने आया हूँ। यहाँ का लोकेशन जो है पता करना बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए, आप किसी को भी अगर कहेंगे कि कोहिमा बाइबल कॉलेज, तो वो आपको बिल्कुल बता देंगे कि आपको कहाँ पे आना है। और ये है आपका लोकेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है ये यहाँ का। और यहाँ का रूम्स जो है वुडन टाइप का रूम्स है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये वुड्स आप देख सकते हैं, ये लोग कुकिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे रूम्स हैं और काफ़ी अफोर्डेबल रूम्स है यहाँ पे, जो आप कभी भी अगर आते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। वीडियो में ही जो मैंने आपको दिखाया है, इनका जो नेम प्लेट लगा हुआ था, उसी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कैफेटेरिया है, यहाँ पर आप लंच ब्रेकफास्ट जो भी हो आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी हॉस्पिटेबल यहाँ का स्टाफ है और काफ़ी वेलकमिंग है। यहाँ से हम लोगों का पानी आता है। और यहाँ ये जो रूम है, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस दिया गया है, ये बाकी सारे दूसरे रूम्स के जैसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वेल फ्लरिश्ड, जैसे कि एसी रहे, फ़ैन रहे, गीज़र, वैसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक प्रॉपर स्टे के लिए है। अगर आपको कुछ अलग वाइब्स चाहिए, जैसे कि हॉर्नबिल जो प्लेस है, जो फेस्टिवल है, ये भी आपको एक डिफरेंट वाइब देगा, तो वैसे ही ये रूम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक इन कर चुका हूँ। आप जो स्टेयर्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल वुडन है और स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल भी है। इसका प्राइस और मैंने इसे कैसे बुक किया, ये सब डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्लोर भी पूरा वुडन है। यहाँ पे टोटल कुछ एक 6 रूम्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये बालकनी से व्यू है। जो नीचे जो रूम्स है, वो रूम्स थोड़े छोटे हैं, इसलिए हमने ये बड़ा रूम लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, ताकि आपको सिक्योरिटी मिले, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए, ऊपर में ऐसा फ्लोरिंग दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं पहले ही चेक इन कर चुका हूँ, तो मेरा लगेज वगैरह सब रखा हुआ है बाहर में ही। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टीवी दिया जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वर्ल्ड कप का सीज़न भी चल रहा है, तो आप वर्ल्ड कप देख सकते हैं इसमें। आप देखिए यहाँ का इंटीरियर, ये सीलिंग देखिए, ये पूरा रूम में सिर्फ ये एक ही लाइट है। यहाँ पे दो कर्टन, और ऐसे अलमारी अलग से सामान रखने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। और एक चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है, हर होटल में जितना भी मैंने देखा है, यहाँ पे बाइबल रखा हुआ है। मेरा लगेज रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, चेक इन मैं कर चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इंडियन टॉयलेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन टॉयलेट है यहाँ पर। और पानी वगैरह ये सब का कोई भी इशू नहीं है, जो कि टैंक से आपको मिल ही जाता है। और एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर, जो कि एक रूम के साथ आपको यहाँ पे बालकनी भी दिया हुआ है। देखिए, ये बालकनी जो है, ये काफ़ी बड़ा है, और ये बिल्कुल ही कोहिमा बाइबल कॉलेज के पास में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल रास्ते के ऊपर में ही है, तो आपको लोकेशन पता करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं दोबारा आपको ये होम स्टे का जो बैनर है वो दिखा रहा हूँ, और ये होटल का नंबर और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप भी कभी नागालैंड घूमने आए, या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आए, या कोई भी पर्पस से और आपको इस चीज़ों की ज़रूरत हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग ऑफ नागालैंड होम स्टे।